उत्तराखंड की 5 लोकसभा में बीजेपी ने 3 लोकसभा टिकट जारी किए हैं, यानी 3 प्रत्याशी उतारे और तीनों को ही रिपीट किया, यानी अल्मोड़ा से अजय टमटा, टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह और नैनीताल उधम सिंह लोकसभा से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को मौका दिया, दोबारा से दिया है। पौड़ी और हरिद्वार को फिलहाल वेटिंग में डाला गया है। उत्तराखंड की अगर राजनीति की बात करें तो बीजेपी लगातार यहाँ पर 2 बार से सत्ता में काबिज है, यानी 2 बार में उसने विधानसभा चुनाव जीते हैं लगातार, 2017 और 2022 में। इसके अलावा वोट कास्टिंग की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर लगभग 60% से ज्यादा मत हासिल हुए हैं, चाहे वो 2014 की बात लोकसभा की बात करें या 2019 की बात करें। इसके अलावा विधानसभा में बीजेपी ने लगातार एक बार, यानी 2017 में बंपर वोट हासिल किए थे, 57 सीटें। इसके अलावा 2022 की बात करें तो 47 सीटें थे। तो ओवरऑल अगर बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पे मोदी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, हर जगह लगभग यही चीजें सामने आती है। लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों की सीट की बात करें तो यहाँ पर पूर्व सैनिक सेना में है, इसके अलावा अन्य जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उसमें नौकरी कर रहे हैं, तो उनका राष्ट्रवाद यानी सीधे तौर पर वो बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं। इसके अलावा धार्मिक तौर पर भी उत्तराखंड में जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं, चाहे वो 1991 राम लहर की बात करें या फिर अब राम मंदिर की बात करें। लगातार बीजेपी को विश्वास है कि वो तीनों सीटों, 5ों सीटों पे कब्जा करेंगे। लेकिन नैनीताल, उधम सिंह नगर और दूसरी बात करें हरिद्वार की, तो यहाँ पे मुस्लिम ST OBC बहुत ज्यादा में है, 4% ST SC OBC है, लेकिन ये भी लगातार लगभग लगभग बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं और कुछ पॉकेट्स में कांग्रेस को वोट कास्ट करते हैं। अब ऐसे में पूरी अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर ठाकुर वोट और ब्राह्मण वोट बहुत डोमिनेट करते हैं और लगभग लगभग बीजेपी हर पॉकेट में मजबूत है। पहाड़ों की अगर बात करें तो बीजेपी वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा मैदानों में अगर देखा जाए तो हरिद्वार लोकसभा में थोड़ा बहुत लोगों को लगता है, या फिर जो बातें सामने आ रही है उसमें बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कतों से, लेकिन पहाड़ी वोट्स और जो पहाड़ से नीचे मैदानों में बसे उसके लिए बीजेपी यहाँ पर मजबूत है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी ने, हम इन तीनों को जो 3 टिकट वापस रिपीट किया है, बीजेपी ने भरोसा जताया और जो उनकी रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक से बीजेपी यहाँ पे काफी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में लगातार दौरे रहे हैं प्रधानमंत्री, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, इसके अलावा आदि कैलाश हो, प्रधानमंत्री वहां पर लगातार पहुंचे और सीधे लोगों से जुड़े हैं। यहाँ पर केंद्र की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का मामला हो या फिर पहाड़ों में अन्य जगह पे, यानी कुमाऊं में, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं में भी रेल विस्तार हो या 4 धाम ऑल वेदर रोड की बात हो, सीधे बेनिफिट्स की बात हो, यानी केंद्रीय योजनाओं की बात करें तो सीधे लगातार यहाँ पर केंद्र की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को तक पहुंच रहा है। राजनीति की बात करें तो बीजेपी को शायद ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2014-2019 में बीजेपी ने यहाँ से पर लगातार सीटें जीती है और उम्मीद ये की जा रही है, और जिस तरीके से रिपोर्ट है कि बीजेपी यहाँ पे लगातार जाएगी। कांग्रेस संगठन की बात करें तो कांग्रेस संगठन ज्यादा मजबूत नहीं है, उनके ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अभी भी कई बड़े नेता सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने से ना कर रहे हैं, उनकी से ना है कि उनका कहना है कि वो फिलहाल अभी या तो विधायक रहना चाहते हैं या तो पार्टी संगठन में दे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस संगठन की बात करें तो कांग्रेस संगठन यहाँ पे इतना मजबूत नहीं है। हालांकि 2017 में 11 सीटें थी विधानसभा में और 2022 की बात करें तो 19 सीटों की कांग्रेस जरूर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो अभी फिलहाल चुनाव हुए हैं उसमें से अगर हालात देखें, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो या फिर नगर निगम चुनाव हो, उसमें कांग्रेस ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। यानी कांग्रेस के सामने चुनौती रहेगी कि वो कैसे, और दबाव भी रहेगा वो कैसे दोबारा से लोकसभा सीटें जीते, या बीजेपी पर ये दबाव जरूर दबाव रहेगा। बीजेपी लगातार अपनी तीसरी बार, यानी थर्ड टाइम बीजेपी इन 5ों सीटों को दोबारा से जीते। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति कहीं ना कहीं जो वोट कास्ट होता है, चाहे वो बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, हमेशा सेंटर को देखकर उत्तराखंड में लोग वोट कास्ट करते हैं।